देखो, सीएमएस ईडी का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह दूं कि जिस दिन आप सीएमएस ईडी में आप अपना एडमिशन कराएं और पढ़ाई शुरू करें, उसी दिन आप जहां भी रहते हो, जिस स्टेट में हो, जिस शहर में हो, तो वहां किसी न किसी एमबीबीएस डॉक्टर के अंडर में आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। उसी दिन से आप कर दीजिए, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट होने में 2 साल का समय लगेगा, 2 साल का समय लगेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा। एक एमबीबीएस डॉक्टर के अंडर में जब रह करके आप वर्क करेंगे तो आप एज ए इक्विवेलेंट डॉक्टर के रूप में आप हो जाएंगे और आपको काफी अच्छी जानकारियां हो जाएंगी। अब देखो, आपको उधर जानकारियां भी होंगी और आपको उधर सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब आप अपनी प्राथमिक सेवाएं दे सकते हो और कहीं भी बगैर किसी रोक टोक के आप अपनी सेवाएं दे सकते हो, अपना उपचार केंद्र ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अगर आपका एडमिशन हो गया तो फिर आप इंतजार करो कि जब मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा तब मैं कुछ करूंगा। नहीं, ये निर्णय जो है ये आपका थोड़ा सा इसको चेंज करने की जरूरत है। अगर सीएमएस ईडी में आप एडमिशन ले रहे हैं उसी दिन से, और ध्यान रखना उसी दिन से कम एमबीबीएस डॉक्टर के अंडर में आपको वर्क करना है। और देखो, इससे एक फायदा और होगा, जब आप काम करेंगे वहां पर तो आपको पैसे भी मिलेंगे, आपकी जो परेशानी है वो भी कम हो जाएगी, आप फीस भरने की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। भाई, 1-2 साल के अंदर भाई कहीं भी आप काम करेंगे तो आपको 8-10 हजार रुपए तो मिल जाएंगे, 8-10 हजार रुपए मिल जाएंगे। तो अगर महीने का मिल रहा पैसा कुछ और भी आप काम कर ही लेंगे तो बड़े आराम से 20-25 हजार रुपए आपके कहीं गए नहीं है और आप काम करते हुए वहां से कमाई कर सकते हैं। तो एक औसत की बात मैं करूं कि अगर 10 हजार रुपए ही आप महीने का कमा लेते हैं, 10 हजार वहां काम करते हुए, तो 12 महीने में आप कमाएंगे 1,20,000। और फीस कितनी होती है सीएमएसईडी की? 2 साल की फीस की अगर हम बात करें तो लगभग ये 50,000 रुपए तक की आती है, इसके बाद कोई खर्चे नहीं आते आप। अब बताओ कि फीस का पैसा भी आपको उसी साल में निकल गया, आपका कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है, आपको जानकारी भी हो रही है, आपकी कमाई भी हो रही है। तो मंजिल अगर तलाशना हो तो अगर नजर उठाकर देखेंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यह सीएमएस सीडी आपको और भी बेहतर बनाता जाएगा, इसके बाद तमाम रास्ते मिलेंगे आपको। आप तमाम पैरामेडिकल के कोर्सेज भी कर सकते हैं, इसके बाद आप जो है डी फार्म कर सकते हैं, बी फार्म कर सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं, एमपीटी कर सकते हैं, उसमें जो है सोनोग्राफी के टेक्नीशियन जो होते हैं ये कर सकते हैं। तो तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लगती है, इलाज करने के साथ साथ आपको तमाम चीजें मिलेंगी। तो एक बेहतर विकल्प है, मेरा एक सलाह है, मेरा एक सुझाव है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके लिए सही हो, लेकिन अब तक जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहता हूं कि अगर आप यहाँ एडमिशन ले रहे हो तो क्या आप कहीं काम करते हो कि नहीं करते? तो नहीं सर, अभी काम तो नहीं कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो बेसिक एडमिशन ले रहे हो तो मेरा ये सुझाव है कि जरूर कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, किसी डॉक्टर के अंडर में रह के काम शुरू कर दो। अगर नहीं कर रहे हो और केवल पढ़ाई पर रहोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, हर चीज नहीं समझ पाओगे। तो ये दोनों का बड़ा अपने आप में टर्म्स है, कॉम्बिनेशन है। तो आप जरूर ये काम करें और फिर आप देखेंगे कि आपको एक बेहतर विकल्प नजर आता हुआ दिखाई देगा।